देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया को अमन की तलाश है, लेकिन नफरत के सौदागरों को नफरत फैलाने में मजा आ रहा है। बांग्लादेश में चाहे नफरत फैलाने वाले हों या मंदिरों को तोड़ने वाले हों, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मजहब इस्लाम में दूसरे मजाहिब के इबादत खानों, उनके मजहबी किताब और उनकी मजहबी शख्सियात के एहतराम की हिदायत दी गई है, और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। लेकिन बांग्लादेश का बहाना बनाकर त्रिपुरा में जो कुछ वहां हुआ है, मैं इसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूं। वहां बांग्लादेश में किसी पागल का यह अमल हो सकता था, लेकिन त्रिपुरा में जो ये अमल हो रहा है, ये पूरे तौर पर मोदी हुकूमत की पुष्पनाई में हो रहा है। मोदी हुकूमत की पार्टी बीजेपी, आरएसएस, उसी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बजरंग दल, और उसी की वजह से तमाशा हो रहा है। अकलियतों की दुकानें लूटी गईं, मस्जिदों को तोड़ा गया, ये कौन सा अमल है? लगता है कि बीजेपी को खून का मजा लग गया है, बीजेपी को नफरत की सौदागरी की आदत लग गई है। लाशों के ढेर पर इनकी सियासत खड़ी होती है। नफरत के अलावा कोई भी इनके पास दूसरा अमल नहीं है जिससे वो इलेक्शन जीत सकें। यही वजह है कि अब जब पूरे मुल्क में उनका गिराव गिर रहा है और आने वाले दिनों में होने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की हालत खराब और खस्ता है, उसी को बुनियाद बनाकर इस तरह की नफरत को बहाना बनाकर हवा दिया जाता जा रहा है। बांग्लादेश में कम से कम वहां की हुक्मरान जमात ने मुजम्मत भी की है, उस पर कार्रवाई भी की है। मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत हिंद ऐसे स्टेट पर सदराज का नफाज करे, और वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, वहां के इन शरीर लोगों पर तादीबी कार्रवाई करे। अगर मुखलिस और ईमानदार है मोदी की हुकूमत, उनको करना चाहिए। साथ ही मैं अकलियत के लोगों से कहूंगा कि आप नबी रहमत की उम्मत हैं, नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नफरत का जवाब अदल, इंसाफ और मोहब्बत के साथ देने की जरूरत है। मुल्क में इस वक्त नफरत फैलाने की बड़ी साजिश हो रही है। नफरतों को फैलाने वालों को रोकिए, मुल्क को बचाइए। सरहदों पर सिर्फ 56 इंच के सीने का तस्करा करने से नहीं, मुल्क के अंदर अमन अमान जब तक बहाल नहीं होगा तब तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती है। हमको और सबको मिलकर कदम आगे बढ़ाना होगा।